आज ऑल इंडिया मजलिस इंकलाबी मिल्लत का एक वक्त हमारी पार्टी के, जिसमें सदर, नायब सदर जनाब शुतारी साहब, सेक्रेटरी हमारे समी साहब और स्पोक्स पर्सन अभी साहब और दूसरे नुमाइंदे हमारे ऑफिस बेरर सब यहाँ पर इंस्पेक्शन किए। ये इंस्पेक्शन करने की वजह ये थी कि यहाँ पर जो है एक आवाज़ उठी कि डबल बेडरूम के घर हम बना के दिए जा रहे हैं, कब्रिस्तान पर कब्जा किया जा रहा है। तो यहाँ हम आके देखें कि 90 साल से के अरसे से ज़्यादा अरसे से यहाँ पर केयर टेकर जो है घर बना कर रह रहे हैं और वक्फ बोर्ड इससे वाकिफ है। ताज्जुब की बात यह है कि वक्फ बोर्ड यहाँ पर कोई फैसिलिटी कलबे शहर रहने के बावजूद कब्रिस्तान न बरियल के लिए नमाजगाह या जो है आपके गुसल के लिए कोई ऐसा गुसल खाना यानी मर्दों के लिए औरतों के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज ही नहीं दी गई है, जबकि बहुत ज़्यादा एरिया तकरीबन 1,000-1,200 गज तो खाली है। मेरी अंदाजे से 1,000 गज तो खाली है, तो ऐसी सूरत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता था। और हम जब अंदर इंस्पेक्शन किए तो कई टूटे फूटे मकान थे, इससे अंदाज़ा ये चल रहा है, लग रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है यहाँ और रहने की इजाज़त दिया है और किराएदार हैं क्या, अगर किराएदार नहीं है तो उसकी कैसे से दिया है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ पर करंट भी है, फैक्ट्री भी काम कर रही है और फिर रोबोट को जो है मालूमात होने के बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लिया है। तो मैंने ख्वाहिश की है जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनसे ख्वाहिश की है कि जो खुदारा आप यहाँ से मुंतकिल हो जाइए और कोई ऐसे केसेस आपका को सामना करना पड़ेगा उसके बजाय आप अपने ज्यारत पे तवज्जो दीजिए और यहाँ से हटकर यहाँ वक्फ बोर्ड की तरफ से कब्रिस्तान को जो निगहदाश्त के लिए कोई बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के साथ साथ जो अगर मंशे वक्फ के तहत यहाँ पर जो है यहाँ रहने के लिए गरीबों के जो हैं 90 साल से उनके लिए अगर बना सकते हैं तो हम वक्फ बोर्ड से बात करके रिकमेंड करेंगे हमारी पार्टी की तरफ से। और हम शुक्रगुजार हैं यहाँ की क़यादत से, काउंसलर साहब से और कृष्णा यादव साहब, श्रीनिवास यादव साहब से हम वफा के और ख्वाहिशमंद भी हैं कि इस सिलसिले में उन्हें गाइड भी करेंगे। और मुझे ताज्जुब ये हुआ कि असरा पेंशन के सिलसिले में यहाँ पर बहुत से लोग मैं दरियाफ़ किया तो बहुतों को मिलने रहा है। तो अब हम हुकूमत से ख्वाहिश करेंगे आपके चैनल के ज़रिए से, वैसे तो हम पहले कर चुके हैं पार्टी की तरफ से, कि डेट बढ़ाई जाए क्योंकि सर्वर काम नहीं कर रहा था, हमेशा सर्वर आउट रह रहा था, फिर जो है कोविड की तरफ से लोग परेशान हाल थे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, फिर अकाउंट खोलने के लिए पैसे होना है, अब ये गरीब लोग पैसे कैसे मुहैया कर लेंगे अपने पास अकाउंट खोलने के लिए, और ज़ीरो अकाउंट भी नहीं था। तो मैं हुकूमत से भी ख्वाहिश करता हूँ आपके ज़रिए से मुकर्रर रिपीटेडली के फौरी जो है डेट एक्सटेंड करिए ताकि स्टेट में आप मदद करना चाह रहे हैं ना गरीबों की, तो हुकूमत अपने मंशे में मकसद में कामयाब भी होगी। तो बेहतर यह है कि डेट कम से कम 15 दिन तो भी एक्सटेंड कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, स्पोक्स पर्सन एएम इंकला पार्टी, आपके बीच में आप मौजूद हूँ। मैं यहाँ आज हम लोग दौरा करें कवाड़ीगोड़ा कब्रिस्तान का, जो कि हाल ही में रूमर्स चल रहे थे कि यहाँ पर 2-बेडरूम फ्लैट बना रहे हैं और यहाँ के पूरा कब्रिस्तान को नाबूद कर रहे हैं बोल के, लेकिन यहाँ हम पर्सनल विजिट करके देखें कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। और जो खुली ज़मीन थी वहाँ पर जो 50-60 साल से रह रहे थे लोग, वो लोगों के लिए परमानेंट हाउसेज बना के दे रहे हैं, जो यहाँ पर गुस्सलखाना चलाते, जो यहाँ की निगरानीकार है, यहाँ पर जो निगरानी करते हैं उनके लिए बना के दे रहे हैं। तो ये कोई बुरा काम नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारी पार्टी की तरफ से कि ये अच्छा काम है। श्रीनिवास यादव साहब जब इतना अच्छा स्टेप लिए हैं तो आप सब मिलकर कॉपरेट करना। अगर वक्फ की जायदाद है मालूम है, लेकिन उस पर भी वो लोग टेनेंट्स हैं, ये वो लोगों की एक लिस्ट हम देखें कि वो टेनेंट्स है, दे आर नॉट इलीगल पोजेसर। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि टेनेंट्स है, और अभी नए फ्लैट भी बनेंगे तो दे विल बी टेनेंट्स, तो उससे हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। जब वक्फ बोर्ड को इतराज़ नहीं है टेनेंट बनाने के, तो हमारे को कोई इतराज़ नहीं है, और बड़े बहुत अच्छी बात है कि आगे चल के जो है सो इसी तरीके से, और कई ऐसे कब्रिस्तान है, ये एक ही कब्रिस्तान नहीं है कि वहाँ पर, यहाँ पर एक फैक्ट्री भी चल रही है, वो भी उनको भी हम गाइड करें कि
उनको किराएदार बन जाओ, किराएदार बन गए तो उन्हें कम से कम एक लीगल रहती है, इलीगल नहीं तो फिर उन्हें क्रिमिनल ट्रेसपासिंग होती, हम खुद उनको केस में बुक करके जेल को भेज देते हैं क्रिमिनल ट्रेसपासिंग में ऑन दी वक्फ लैंड, बोल के हम खुद एप्लीकेशन देकर कोर्ट से डायरेक्शन लेंगे अगर उन्हें टेनेंट नहीं बने तो वक्फ के। एक है, अब रही बात, हम हुकूमत से अब अपील करते हैं कि ये एक ही कब्रस्तानी, ऐसे कई कब्रस्तान है जिसके दीवारें टूटे हुए, जिसमें जो है सो बेहरमती हो रही है, वहाँ पे गैर गलत काम हो रहे हैं, उसके लिए हर हर कब्रस्तान को एक केयर टेकर को ऑफिशियली अपॉइंट किया जाए कि उसको गेट लगाया जाए और रात के खुद उसको लॉक कर दिया जाए। तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एक सिस्टम में ला के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे तरक्की होंगी और अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी होगी। कब्रस्तानों में पहले ही तदफीन की जगह नहीं बची और इस कब्रस्तान में भी तदफीन की जगह काफ़ी कम है। अब आवाम का ये बताना है कि बाजू जो 2BHK कॉलोनी है वहाँ पर 25 फ्लैट खाली हैं, तो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के बजाय क्या यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर खिदमत गुजार थे क्या उन्हें वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता? नहीं, वो तो किया जा सकता, लेकिन ये हुकूमत का डिसीजन रहेगा, ये हुकूमत का। हम तो सिर्फ सर्वे करके हम ये देखें कि कब्रां तोड़ के वहाँ बना रहे हैं क्या, वो देखने आए। वो खुली ज़मीन है, खुली ज़मीन होने से तो हमारे को तो कोई एतराज़ नहीं है। अब रही बात तो फ्यूचर में तो वहाँ पर दफनाया जाएगा ना? जी हाँ, फ्यूचर में वो तो ये हुकूमत का काम है कि अल्टरनेट जगह देना, अल्टरनेट अगर यहाँ पर कुछ ले रहे हैं तो अल्टरनेट जगह देना इनके लिए, सो अल्टरनेट जगह प्रोवाइड करना, जैसा यहाँ पर अक्वायर कर रही तो फिर कल के दिन ये भर जाएगा तो दूसरी जगह अल्टरनेट प्रोवाइड करना। अंबरपेट में भी कब्रस्तान की काफी खिल्लत है और अब ये जो भी जितनी भी जमीन बची है इस पे अगर घर बनाने के बजाय अगर हुकूमत कहीं और इन लोगों को शिफ्ट कर देगी तो क्या आपको ये नहीं लगता कि बेहतर होगा? बेहतर है वो तो, हम क्या सोपी को लगेगा, वो तो कॉमन की सेंस की बात है, बेहतर रहेगा। क्यों बोलते, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर आए 50-60 साल से है, वहाँ पर खबरें तो बन नहीं रहे, तो उसी को भी डेवलप कर सकते हैं, वहीं बोल कर रही है, उसी को तोड़ के वहाँ पर भी डेवलप कर सकते हैं, जो कि खबर वहाँ पे है नहीं 50-60 साल से जो घर आए यहाँ पे, ये घरों पर भी डेवलप करे तो खबरों को कोई ऑब्जेक्शन, खबरों तकफीन के लिए ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्यों बोलते, वो खुला रहता, ये एग्जिस्टिंग पे फिर उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो तो बातचीत में जो है जब कंस्ट्रक्शन टेक्निकल स्टाफ आएगा तो वो लोग मेजर करके जो है अकॉर्डिंगली कर सकते। इस कब्रिस्तान की 14 एकड़ जमीन आराजी पहले थी और अभी 4.5 एकड़ बताई जा रही है, तो पहले जो कब्जा हो गई है उसके ऊपर एएमआईएम इंकलाब, हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम जो है प्रेजेंटेशन देंगे, गैजेट निकालेंगे, सर्वे कराएंगे और जो भी इलीगल ऑक्यूपर्स है, जो भी इलीगल पोजेसर है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बराबर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम कई पे कर लेते आ रहे, बड़े बड़े शहर के जो लोग आए जो इलीगल के लैंड कब्जा करे उनको नहीं छोड़े तो ये तो कुछ भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला, हम बराबर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लैंड ग्रैबिंग को लेकर आज आवाम में बहुत ज्यादा हलचल पाई जाती है, परेशान रहती है, तो एआईएमआईएम इंकलाब से लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तो क्या एआईएमआईएम लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ कुछ और कार्रवाई करेगी मजीद? बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे पास आइए, जहाँ कहीं भी ऐसे इश्यूज है, जहाँ कहीं भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस में रुजू होइए, इंशाल्लाह ताला हम आपको 1-2 महीने में जिसको जो है सो प्रोसेसिंग करके आपको उसका रिजल्ट देंगे अल्लाह चाह। काफ़ी फ्यूचर प्लानिंग करती है हमारी तेलंगाना हुकूमत, जो है बहुत अच्छी प्लानिंग के लिए मशहूर है। आप जो सवाल किया है कि कब्रस्तानों में आइंदा जगह कम पड़ेगी दफनाने के लिए, तो हुकूमत को भी चाहिए कि और करें कि अपनी कब्रस्तानों को जो है आबादियों से हटाकर जो है कायम करें और यहाँ पर जो है तदफीन के लिए जगह फराहम करें, वो बेहतर रहेगा ताकि जो है हुकूमत की भी नेक नामी बाकी बरकरार रहे। और जो है कवाडी जुड़े के जो मुकामी लोग हैं, मैं उनसे सिर्फ दो ही बातें करना चाहता हूं। एक बात यह है कि हम अपने इस सर्वे में ये महसूस कर लिए हैं कि जायदाद वक्फ है या मुसलमा वक्फ है, जिसका गजरीट मौजूद है, जिसका मुंतखब मौजूद है, अभी इस पर कोई मुतवली का सवाल नहीं है, लेकिन एक मस्जिद सुन्नीपुरा की मस्जिद के तहत जो कमेटी है वो कमेटी काम कर रही है। और मैं जो है कमेटी के जिम्मेदारों से मसला बयान कर देना चाह रहा हूँ कि आप तदफीन के लिए जो 500 रुपये कब्रस्तान के लिए ले रहे हैं वो मस्जिद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो लेते हैं आप उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई न्यू इंक्रोचर है और अगर एक साल पहले आ गया, 2 साल पहले आ, एक महीने, ये कई 100 साल का नहीं सवाल बल्कि 70-80 साल पे ये लोग मौजूद है। अब जैसा कि हमारे सदर साहब ने कहा कि ये किराएदार है तो आप किराएदार की तक उन्हों करें। और जो है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं
कि जो कब्रिस्तान इस वक्त पुराने शहर में है वहाँ बाउंड्री वाल बनाइए, ना हमारे चेयरमैन साहब को शऊर आता, ना जो इस वक्त मौजूद अराकीन है ना उनको फिक्र होती। आप कम से कम बाउंड्री बनाइए। अफसोस इस बात का हो रहा है कि यहाँ पर बाउंड्री होने के बावजूद ये खदशात है, और जहाँ बाउंड्री नहीं हो तो वहाँ क्या होता। मोमिन साहब चुप के कब्रिस्तान के सिलसिले में हम करें, आप जो है वहाँ वो नहीं कर सकते। तो हमको मालूम है हर जगह जो है नॉन मुस्लिम बिरादर से उसमें अच्छे लोग भी हैं। अब हमारे कवाडी घोड़े के काउंसलर साहब हैं, बड़े संजीदा मिजाज हैं, श्रीनाथ यादव साहब बड़े समझदार आदमी है। इस बात है कि हैदराबाद की तहजीब तमदन से वाकई में लोग और जो है मुसलमानों की जो गुर्बत और जो है भूख प्यास इससे वाकिफ है। तो वो लोग जो काम कर रहे हैं हम उनका उनके साथ ताउन अमल करना चाहते हैं, लेकिन आप मंशा वक्त के खिलाफ हम कोई काम करने नहीं देंगे। अभी हमारे सदर साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड के बावजूद निगरानी है, निगरानकार साहब जो है कारखाना चलाते हैं, इलीगल कारखाना चलता है और थ्री फेज करंट लिया जाता है, तो कोई भी नहीं। और सुन्नीपुर की कमेटी के लोग क्या बेहोश है, उनका काम है ना आके देखना, अगर उन्होंने नहीं सुने तो आप कंप्लेन करना, आप जो है कार्रवाई करना। मैं हम आप मुकामी लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे पास जो है लीगल सेल भी है, आप जो अगर जो है कानूनी काम लेना चाहते हैं तो हमारे खबी अब्बास साहब से रब पैदा करें, आप लोगों की मदद करेंगे। और जहां तक नुमाइंदगी करने का सवाल है हम बराबर नुमाइंदगी करेंगे और कोशिश करेंगे, आपके साथ हैं हम। और हम श्रीनिवास साहब यादव साहब से भी बात करेंगे और हमारे काउंसलर साहब से तो हम गुफ्तगू करें हैं। बहुत ही सिंसियर पर्सन महसूस हो रहे हैं और बहुत हमदर्द है ऐसा महसूस होता है, और ये इनकी मोहब्बत है जो इस मसले में आए हैं, वरना कोई काउंसलर आने वाला नहीं है। काउंसलर तो माल बनाने में पड़ा हुआ है, हमारा काउंसलर जो है पुराने शहर का समझे आप, वो जो है माल बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो आप जो है खुश नसीब है आप लोग कि आपके एरिया में ऐसे लोग भी हैं जो आपके दुख दर्द और गम को समझ रहे हैं, मगर आप जो है सब्र का मुआयना कीजिए। और अभी ये सुना गया है कि वहाँ दो खबरें फेक बना दी गई, तो ऐसा काम मत कीजिए। इस वास्ते खबर जो है अगर कोई जो है नकली खबर बनाता है तो सबसे पहले उन्हीं चले आता उसमें, ये मसला है निज़ाम कुदरत है, तो ऐसा काम मत कीजिए। और जो है आपकी इत्तला के वास्ते हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो लोग सिर्फ वक्फ जायदाद को सबोटाज करके बिजनेस करके जिंदा है समझे आप, उनका उनका कारनामा ये है। लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि आप लोग जो लोग जानतदार हैं और जहाँ भी जो बातें सुने हैं बोले हैं, कब्रिस्तान की बेहरमती नहीं होना, पीने खाने वाले लोगों को आप अंदर आने नहीं देना, और अगर वो करेंगे तो हम खुद कार्रवाई करेंगे समझे आप। आपको करने की जरूरत नहीं, हम खुद कार्रवाई करेंगे और सुन्नीपुरे के जो कमेटी के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। खुदा करें इनके खानदान हमारे खानदान पूरे खानदान है जितने लोग आए। अच्छा वो सुन्नीपुरा मस्जिद के कमेटी का कोई खानदान आदमी है नहीं, और ना उन्होंने फेस कर सकते हमारे, क्योंकि काम ही नहीं कर रहे, मस्जिद की जायदाद भी हड़प ले रहे हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। मैंने सवाल क्या देखी गया, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो मसला है ना वक्फ बोर्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वक्फ बोर्ड, लेकिन वक्फ बोर्ड में ऑनेस्ट लोग नहीं होने से ये मुसीबतें पैदा सही बोल रहे हैं सुने आप वो हो रहे हैं। और हमारे को गवर्नमेंट के किसी पैसे की जरूरत नहीं है। श्रीनिवास यादव साहब जो काम कर रहे हैं हम वेरी वेरी थैंक्स का फॉर कॉपरेशन टू अदर बोलिए हम का ये बोलिए, मगर सवाल ये कि वक्फ बोर्ड और इसके लिए क्या है मालूम है, ये डेमोक्रेटिक पेट्रोल है। आप इतने जमाने से काम कर रहे हैं, कोई आप ये कब्रिस्तान की कोई कमेटी नहीं बनाया हम कमेटी के लिए कमेटी हमारे पास, लेकिन ये कमेटी अप्रूव नहीं कर रही तो मस्जिद की कमेटी अप्रूव नहीं कर रही, उनके कंट्रोल में है ये खबर। मैं कई बार गड़बड़ कर रहा हूँ, पूरे पेपर है बच्चों के मस्जिद वक्फ के कंट्रोल में नहीं है। कौन सी आप पैसे वालों की सुनते हैं, वक्फ बोर्ड वाले पैसे वालों की सुनते हैं, गरीबों की नहीं सुनते। दरवाजे खुले हम 500 रुपए लेते सब दफनाने के लिए, कुछ भी काम नहीं करते। अब 3,500 का बोर्ड लगा दी, अब 3,500 का बोर्ड लगाए नहीं एक मिनट छुट्टी दिए तो 500 रुपए छुट्टी दिए तो आदमी को दफनाना बोलते 500 कई सालों से ले रहे पर ये काम भी नहीं बोलो खाली बहुत बोलते चूना डाल दे यहाँ तक छब्बे बड़ा बच्चे हमारे साफ कर लेते। मैंने अब कमेटी में जो है डॉक्टर सिराजुर रहमान उसके वो है
मेंबर है, सिराज भाई भी थे पहले, नहीं नहीं वो नहीं, अब है गुलाम नबी शाह साहब के बेटे, दीवारा पूरा बना है, उन्हें नहीं बना, बड़ा बड़ा करने का है सर, वो भी बोले हो, कोई काम नहीं करे भाई, खाली एक काम करे साहब, छोटी सी चेन लाए, 2 लाख लेके आए गेट के पास, उस दिन जब हम पूरे गेट के चानला पिलरा सब ला के रेडी करे, लेबर के 4-5 हजार बात करके लगा दिए, दूसरे दिन लाख डाल दिए, बच्चों को बोले भाई चलो जाए से पुलिस केस कर देते हैं। साहब आप कुछ बोलिए पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा। मैं आज इसे इनकलाबी मिल्लत का एक वक्त यहाँ पर कब्रिस्तान के जो है मुआयने के लिए आया है, और यहाँ पर जो है अक्सर लोग जो है तकरीबन 60-70 साल से रह रहे हैं, और यहाँ पर जो है मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाकर जो है कब्रिस्तान की जगह में नहीं है सर, अलग अलग है, वो वक्त नहीं है, तो ये लोगों की तहरीक है, तो इस सिलसिले में हम जो है वक्फ बोर्ड से भी बात करेंगे, बात करके जो है इस सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए मसले के हल के लिए, और वक्फ बोर्ड को भी चाहिए कि जो जगहदाश्त कर रहा है उसके लिए जो है सहूलतें पैदा करें। एक से बहुत ताज्जुब की बात यह है कि तकरीबन 100 साल से पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ पर कोई भी देखने वाले के लिए कोई रिहाइश का इंतज़ाम ही नहीं, तो और ये तो होना चाहिए था कि यहाँ गुसल खाना भी होना चाहिए, और उसके साथ सहूलतें भी जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी जो जगह रहना चाहिए, और अगर वक्फ बोर्ड ये नहीं कर सकता तो ताज्जुब की बात है कि आवाम को उठ के कॉन्ट्रीब्यूशन करके हम ये अपील करेंगे, अगर वक्फ बोर्ड इतना नाहल है तो आवाम से अपील करेंगे कि चंदा जमा करके यहाँ पर ये सहूलतें फराहम करें वक्फ बोर्ड की मंजूरी के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। साहब तारे खादरी साहब, सैयद हामिद हुसैन सुतारी साहब और हमारी पूरी कमेटी के साथ यहाँ के कावाड़ी गुड़े के कब्रिस्तान पर विजिट करें हम, जो कि हाल ही में सोशल मीडिया में इसके खिलाफ जो है सो न्यूज़ा गलत न्यूज़ा फैल रहे थे कि ये कब्रिस्तान पे बना रहे बोलकर, और ये साफ बोल रहे हैं कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की, ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, इससे हटकर जो सो कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर ये जो बोल रहे हैं अगर इसी को फॉलो कर रहे हैं तो, और यहाँ पर रहने के लिए लोगों को और निगरानी के लिए बहुत ज़रूरत है कि कुछ घर रहे तो सुलह करने वालों के लिए। वक्फ की ज़मीन है जी, लेकिन कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, वक्फ जगह है वहाँ पे, इसका ओनर तो नहीं हो सकता, फिर आपके गलत जाएंगे, सो टेम्पररी रहेंगे सर, दे विल नॉट बिकम ओनर बिकॉज इट्स अ वक्फ लैंड, तो जो है सो उसमें मैं समझता हूँ कि किसी को भी इसका कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। क्या बोलते हैं साहब कुछ आप लोग? नहीं वो तो वक्फ बोर्ड का काम है, जब वक्फ बोर्ड शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, रेंट भी दे रही है सर, रेंट ले रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं और किराएदार भी है, उससे और क्या हमारे को ऑब्जेक्शन रहेगा? मैं जानता समझता हूँ, जब किराया दे रहे हैं आप, हमारी नगरों के सामने रिस्पेक्ट को वो दिन हुआ किराया रोक, अरे वो छोड़ो जी, किराएदार तो है ना, हमारी नगरों के सामने रिस्पेक्ट स्ट्रक्चर्स है खड़े हुए, तो यहाँ पर जो है आबादी थी और ये हिस्से में कब्रिस्तान नहीं है, तो ऐसी सूरत में वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वो फौरी आए, मुआयना करें और इस सिलसिले में फैसला करें तो बेहतर रहेगा, सहूलत दिए हुए लिस्ट ऑफ टेनेंट्स एंड एजेंट्स लोगों के रेंट्स भी ऑलरेडी दे टेनेंट्स ऑफ वक्फ बोर्ड, टेनेंट्स ऑफ वक्फ बोर्ड जो है कई सालों से है, और जो है एंट्रेंस पर ही हमारे एक साहब से बहुत उम्र रसीदा साहब से मुलाकात हुई, सलाम अलैक हुई, तकरीबन वो 90 साल के हैं, तो उनके वाली से ज़माने से यहाँ रह रहे हैं, ताज्जुब की बात है उन लोगों के लिए भी कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं किया गया, तो वक्फ बोर्ड में से मैं ख्वाहिश करूँगा कि फौरी इस तरफ तवज्जो करें और मसाइल को के अंबार लगाने के बजाय मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो करें। ठीक है मैं फोन करता हूँ, ठीक है ये भी लो भाई, दुकानों का भी लो अंदर सब लोग, ये दुकानों का लो उधर का लो सब लोग, तो दीवार का लो वहाँ का रख लो पूरा, यहाँ से पूरे घबराई थी पूरी लो आदमी के साला शर्म है ना शर्म, मुसलमाना है ना।
इस्लाम का नाम खराब, पहले ही खराब है साला, और बदनाम कर रहे हैं, इंडिया करके छोड़ दे रहे हैं। अब ये भी करता देखो लाइन नहीं है, उन लोग तालीम नहीं है। घर दीजिए दो भाई, घर दीजिए। भाई हम मीडिया भी मीडिया से समझे हेलो ऑल इन वन है बोलेंगे पहले सब इतनी जगह है साहब ये जहाँ पे एक खबर भी नहीं है और वहाँ से दफनाए नहीं देते थे लोग, ये दूसरों के कब्जे में थी और अनेक 10-12 साल पहले यहाँ पर झंडे लगे हुए थे, यहाँ पर नेशनल पूरे लगा देंगे था, पूरा हटाए वो, ये कोने पे ये लोगों को शिफ्ट कर देंगे, उसको एक रास्ता छोटा रास्ता है वहाँ कहाँ पे कॉरिडोर पे जाता, ये लोगों को हदबंदी करके ये कब्रिस्तान को पूरा फ्री कर देंगे, यानी एक कोने में कर देने के बाद कब्जा नहीं होता कब्रिस्तान। एक अच्छी सोच है, बल्कि हम लोग अभी पूरे कब्रिस्तान वाले हमारे बाप दादा सब यही सब भी बोले अरे अच्छा काम है तो इसके लिए करे एक, और इन लोगों की जिंदगी भी अच्छी होती और इन लोगों छोरा इसको सर्वे करे कितना जब कितने गए 500 से 600 गज ये नहीं मेजरमेंट कर लिया होला प्लान भी बनाए 600 गज है याद एक एक जगह याद है कहा था 600 गज है मतलब इसके अंदर बना तो फिर जी प्लस वन बनाने वाले हैं वो नहीं 12 फ्लैट तो जी पे आ जाते जो यहाँ पे रह रहे हैं नीचे 6 ऊपर 6 12 फ्लैट है और किसी को नहीं वो नहीं जो रहने वाले होंगे यहाँ के लोगों को और एक काम मैं एक डबल बेडरूम की एक बात बताता हूँ आपके एरिया में क्या आने वालों हमारे पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बने जो लोग जहाँ है उनको ही दिए बाहर के एक आदमी को नहीं दिए तो वही उधर के लोगों को उधर ही दिए उधर का एरिया उधर को ही दिए उनको क्योंकि उन लोग भी कैसा लड़ रहे थे प्राइवेट लैंड की लेकिन उन एक सौ उन्होंने भी थे तो उनको सीनों बातचीत करके उन लोगों को उनसे बनाए उनकी गवर्नमेंट लैंड नहीं है वो ना कब्रिस्तान की लैंड है। ये जो आतंक जो खुला है कंपाउंड का ये किसकी परमिशन से खुला है ये पूरा मस्जिद वाले अंदर देख रहे फाइन पकड़ा अंदर देख रहे भाई
जगह है ये कब्रिस्तान की जगह, किसने परमिशन दिया इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। यही नौजवान बच्चे यही हम लोग जब साफ सफाई कर रहे थे, हम ये आवाज उठाने से इसके वजह से हमारे को हटा दिया गया, आपकी जरूरत नहीं है हम कर लेते बोल के हटा दिया सर। देखिए मैं हाईकोर्ट एडवोकेट हूँ, वक्त के केसेस पूरे देखते रहता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे भी ये मालूम है कि वक्त की लैंड पे जो है सो कमर्शियल काम नहीं हो सकता, खासतौर से कब्रिस्तान के वक्त की लैंड पे। और यहाँ पे क्या किससे परमिशन लिए, किराएदार है इन्हों, क्या है, क्या यहाँ के मुतवली है, क्या इनके अख्तियार है जो है सो यहाँ पर एक फैक्ट्री चला रहे हैं, अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे, मुतवली भी है तो क्या गेजेट में है, क्या है, ये पूरा चेक करना पड़ता। ये पूरा चेक करके अगर इन्हों इलीगल क्रिमिनल ट्रेसपासर है तो इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक करेंगे इंशाल्लाह ताला, कोर्ट को जाएंगे, इनको यहाँ से उठा के फेंकेंगे अल्लाह चाहते इंशाल्लाह ताला। पहले इनका वेरिफिकेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला, करके हम आपसे वादा करते वेरीफाई करेंगे वक्फ बोर्ड से इनके क्या अख्तियार दिए, वक्फ बोर्ड इनको क्या किराएदार बनाई नए बनाई या इलीगली इन्हें स्टे कर इंशाल्लाह ताला। आप कुछ बोलेंगे, कारखाने लगाने कैसा दिया गया, वक्फ बोर्ड क्यों खामोश है, और जो है प्री फेस करंट कैसा दिया गया, ये सब सवाल जो है मिली भगत की तरफ इशारा करते हैं। हम जो है ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिलत की जानिब से ये मसले को उठाएंगे वक्फ बोर्ड में, और अगर वक्फ बोर्ड तसाहुल करा, अगर खामोशी अख्तियार किया, तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एक्शन के लिए कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हमारे कारपोरेटर साहब भी तो कर सकते हैं ना, इनके एक एप्लीकेशन पे लेटर पे उठा के चुनाव करा दिए, छोड़ना नहीं इसको, ये अफवाह उठा रहे हैं पूरी पब्लिक में, मस्जिदों में ऐलान कर दिए, मस्जिदों में ऐलान कर दिए। हिमाच यादव साहब एक फोन करे तो पूरा खड़े आता है, परेशान है मस्जिद को कमेटी आइए साहब। और कमाल ये है कि हम जो है रोजगार पैदा करने के चाहते हैं, लेकिन जो है क्या किराएदार ऐसा कर सकता है साहब, कहाँ अरे भाई इधर आ जाओ ना, तो कब्रिस्तान में जो है कब्रिस्तान में ऐसी कार्रवाई की जा सकती है क्या, या गम पे बनाए जा सकते हैं, और थ्री फेस करंट दिया जा सकता है, ये सब सवाल जो है उभर के आ रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड इस तरफ तवज्जो करे और मसाइल पैदा करने के बजाय मसाइल की हल की तरफ तवज्जो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड डाले गए, नाला फिट करे गए, वजू खाने बनाए गए, जेसीबी लगा के काम करे, सब परफेक्ट होने के बाद मस्जिद की कमेटी बोले के आप लोग हम सॉरी ये जो गंपों के बारे में शिकायत करेंगे क्या है भाई बोले तो ये वजह हम बोलने की वजह से हमारे उन लोगों हटा दिया, हम लोग कर लेते मस्जिद वाले बोल डिस्टर्ब कर लिया, ये मसला उठ के आया ना, अल्लाह चाह तो हल आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ। अब वक्फ से जो है परमिशन लिया तो टैक्सी चलाने का इलेक्ट्रिक थ्री फेस करंट बगैर किराया जो है तो ये कर दिया तो क्यों समय में आपसे फाइट करूँगा। हम रोजगार को मुतासर करना नहीं चाहते, रोजगार को मुतासर करना नहीं चाहते, लेकिन ये गैरकानूनी में काम करें तो आप भी परेशानी है और यहाँ की आवाम भी जुड़े हैं, यहाँ के जो कब्रिस्तान में आपको याद करेंगे, हम आपको भी जाना है आपको भी जाना है, ये पहले कौन है अल्लाह के तो वैसी सुहा बोले चार घर वाले इसे तीन यज करते घर वाले करते, बाकी बाहर से बोले ना फिरा के चढ़ा उतार छोटे खंडों में उठा के ले जा रहे हैं, कुछ खपत है बोल के चार बनाते हैं। ऑल इंडिया बोर्ड के चेयरमैन है, सुनी उलमा बोर्ड के चेयरमैन है, देखिए सवाल ये हमारा मकसद क्या है, आने का मकसद ये है कि जो रूमर्स हुए जो कब्रिस्तान की जगह पे फ्लैट बना दे रहे हैं फला कर रहे हैं, तो उसकी हद तक जो है हम लोग जो है आए आके हकीकी हालात से वाकिफ हो। अब आपसे अब आपसे बुनियादी तौर से हम आपके जो है वकील साहब है, मगर वकील साहब को आगे नहीं करे, मगर वकील साहब एक बुनियादी बात पूछे, क्या पूछे आप किराएदार हैं क्या, नहीं एक बात
आप निगराकार है, निगराकार को कोई हक नहीं पड़ता, निगराकार के माने निगरानी करना, निगरानी करना, आपको निगराकार बोल रहे, उसका काम है निगरानी करना, उन्हें निगरानी करने के बजाय उन्हें बिजनेस करना तो गलत होगा। तो आपका क्या मालूम है? तो और ये परमिशन जो लिए थ्री फेज का, वो भी बोगस परमिशन, आपके क्रिमिनल केस बुक हो जा सकता है। सुने आप, अभी ये आप देखिए जैसा थे जो मसाइल तरीके से हो रहे हैं, आप उसमें कोऑपरेशन कीजिए। और हमारे सुने आप, हमारे देखिए काउंसलर साहब आ रहे हैं, तेलुगु देशम में थे आप, तेलुगु देशम में थे भाई, तेलुगु देशम में था हम लोग, सुने आप तेलंगाना मूवमेंट के लोग हैं, समझे आप, अब हम तेलंगाना मूवमेंट में हमको नहीं पूछ रहे 11 साल जो, मगर हम बोल रहे हम काम तो करते हम, अगर नाम की फ्रीडम फाइटर है तेलंगाना के, तो हम जो है तो हम कहा चाह रही है कि जो है ये एक जगह अगर होगी तो हिंदुस्तान के लिए महफूज होता। हम बकबोर्ड पे यही मतालबा कर रहे हैं, और आप भी जो है ये कोऑपरेशन कीजिए, अजीब खबरस्तान है, सुने आप ये खबरीन खबरस्तान है, हम इसके बाद जाना है, शहर में कोई जगह इस वक्त नहीं है, नहीं है। अब आपके कम से कम अतराफ अकराफ के एरिया में आप होंगे, आपका इतना बड़ा खबरस्तान है, मैं सुन्नीपुर के चेयरमैन से भी बात करूंगा, बहुत कर लखपति करोड़पति लोग आए, एक एम्बुलेंस नहीं है डेथ बॉडी लाने के वास्ते। अब ये बंसीलाल पेट में जाइए, 3 गाड़ियाँ हैं उनके मोहताज आने के लिए, हर जो है शमशान घाट में गाड़ियाँ हैं। मस्जिद रहने के बाद एक बंदा कोई आके नहीं देखा कि यहाँ क्या हो रहा, हम आपको आप लोग बतला रहे हैं कि कुछ भी काम नहीं हो रहा, मेरी नजरों के सामने पूरे नौजवान कमेटी करी हमारे को हटाने के बाद एक दीवार बनाए लोग, बस वो भी क्या बोले खबरें नहीं घटते ना, वो इधर कोने में करे तो ये खबरस्तान को यहाँ से वहाँ से करने, ये बोलते हैं बिस्तर कैसा है साहब, इन्हों भी डाल रहे हैं, बोलते हैं बिस्तर पूरे खबरों पे डालते हैं, खबरों की बेहरमति नहीं होती साहब, पूरी बेहरमति कर रहे हैं खबरस्तान, बोलते हैं बिस्तर साल में बचते हुए आप जिक्र दे दीजिए कि जो हम मौका दे रहे हैं जो वक्त जो भी मुनासिब काम करना चाहिए या जो भी इसलिए के जो अब आपको कोर्ट में खींचे, अब आप जो आप तो मैं समझ सकता हूँ रोटी रोजगार के लिए कर रहे हैं सही गलत वो अलग वक्त है, तो मैं भैसे से भाई मेरे को जो है किसी को तकलीफ देना फितरत में नहीं, लेकिन आप मौका देना उसके बाद की लड़ाई झगड़ा आपको अरे बोल के मालूम है तो दीवारों में पता चले हम भी अरे ठहरो ना, एक मिनट, हम ये भी देखो तुम भी बोला हम भी बोलते हैं, दोनों बोल रहे हम आवाम को बोले बोलते बोली अकेला रहता इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि ये आदमी बहुत मेहनत कराते वाला है, इनके पड़दादा था करे तो वाले बोल के हम इनको भी सपोर्ट करें अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट तुम्हारे खिलाफ तो नहीं बोल रहे, बात ये जबकि हम जब नौजवान बच्चे लेके कमेटी जब गड़बड़ करने के बाद आपके आंखा आप खुले कमेटी के, अल्हम्दुलिल्लाह चलो ये भी उन्होंने भी कर रहे अच्छे के लिए कर रहे, जो नौजवान बच्चों को क्या बोले आप, नहीं हम कॉन्ट्रैक्ट दिए थे इनको हटा दिए, जब मेहनत कर रहे इतना जेसीबी लगा के कोल लगा था चंदा आप देते लोग उनसे इनसे चंदा करके जब डेवलप करे अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहे ना कमेटी नौजवान बच्चों को हटा दिए, और बोलने का मतलब ये लगा कि हम नाम कर रहे, अरे भाई पहले से अगर आप करते तो ये नौबत नहीं आती, पहले हमारा बदला में पूरा हफ्फा उठा रहे पूरा
अभी तो मैं ऐलान कर रहा हूँ क्या ये प्रैक्टिकली देखो खबर इंदौर पूरे उनके सामने बोला मैं तुम्हारी भी गलती है आधा एरिया से ज्यादा खबर क्योंकि अब उनके कोने में हटा के सही क्योंकि पेशाब पैखाने पूरे खबरों में कर रहे थे घर में बैठ के अपन मशवरा कर रहे हैं व्हाट्सएप में डाल दो क्या है भाई बोलते भी सर देखो हमारे पास एजेंसी की हम दौरा करके सेटिस्फाई हो गया क्या बोलते सब सुन रहे हम जो है बकबोट के अहदेदारों से बात करेंगे वहाँ का उनका क्या स्टैंड है ये वक्त की ज़मीन है वक्त की ज़मीन में आप लोगों का उसके तकरीबन जो है खिदमत गुजार है तो ऐसी सूरत में आप लोगों के ये क्या सवाल है ये चेकर को तो देना चाहिए गुसल देने वाले यहाँ जो है इसके लिए नमाज पढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म रहना चाहिए गुसल देने के लिए प्लेटफॉर्म रहना चाहिए तो अगर बकबोट अगर ये कर रहा है तो बेहतर बात है ये खुद ताजीपुरा यहाँ पर जो है हल्बे शहर में सेंटर ऑफ द सिटी में ऐसे हालात हैं और बकबोट को डेवलप नहीं किया और गैर कानूनी तौर पर बहुत से काम हो रहे हैं तो इसी हम को यकीन सवाल पूछना चाहिए बोर्ड से खाली बोर्ड मीटिंग करने की हद तक नहीं रहना चाहिए बल्कि टेक्नोलॉजी से और बंशे वक्त के तहत गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए लोग एक बात सुन लीजिए मैं पूरे हालात से वाकिफ हूँ सुन लिया आप जनरेशन रख लीजिए या खबरस्तान में आप लोग रहते हैं तो अगर जो है खबरस्तान का एहतराम करना अब किसके बच्चे पी के आते हैं किसके बच्चे पी के नहीं आते सब आप लोग वाकिफ हैं और हम वो बोलना नहीं चाहते मगर खबरस्तान में वो आना और पी के आए तो आपका कैसा आने देते हैं देख लीजिए आप जो पी के सुने जो मैं आपसे बोल रहा हूँ साफ साफ बोल रहा हूँ आप जो है पीने वाले जो लोग आते हैं उनको खबरस्तान में आने नहीं देना अगर हम खामोश बैठे तो बाजू वाला बोलता है देखो साहब इनके बच्चे पी के आते हैं और ये लोग खबर जब पी के खाने वाले हैं तो बाहर आप किराए के मकान ले जाओ कब्रस्तान में मत रहो कब्रस्तान में मरने के बाद अपन होना है तो ये जो है आप लोग जो है ये भी इसलाह करना अब साफ वादा करे हैं और जो है नुमाइंदगी करेंगे बहुत मशहूर एडवोकेट है हमारे अब्बासी साहब और आप भी जैसा जरा एडवोकेट है समझे और जो है हम किसी से मुतासर होने वाले लोग नहीं है हमारे श्रीनाथ यादव साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं और जो है हमारे काउंसलर साहब भी है सुना ये समझे आप ये लोग भी जो है समझदार लोग हैं आपकी मदद कर रहे हैं तो ऐसे मौके पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करो और इन लोगों को लेके काम करो और जो है हमारा मकसद ये है कि कब्रस्तान का बेहतराम हो आप लोग रहना और जो अब एक दो लोग उस जमाने कब्र खोदते थे चार अब बाकी सब कमा रहे हैं किराएदार नहीं होते अम्मा होना ना अगर तुम्हारा घर रहा तो अब ये आपको जो है कोई किराया का इससे 16 लोगों की अब तक अभी हमारे काउंसलर साहब भी बोले हैं जो खाली इसी जो लोग मौजूद हैं वो है अब इसके बाद हम लोग फिर आएंगे आगे हम जो है आपके पास से रिकार्ड लेंगे आपके मेरे साथ और तय करेंगे आप लोग आगे है मगर आप लोग जो है हिम्मत करते रहिए कोई किसी किस्म की दुश्वारी है रास्ता बंद कर दिया नहीं नहीं वो देखिए आप बोले हैं आप आज को आज है तो सीओ से बात करेंगे अब वो लोग ये बताएंगे सुने आप वो कोई भी ऑफिसर कोई आसमान से नहीं आया उनको ये बोल दे रहे कि लोग आए कब्जा कर ले रहे हैं फला कर ले रहे हैं तो बकबोट वाले क्या कर रहे अरे कोई भी नहीं आता तो उनके पीछे पड़ते अब हम लोग अभी जो है पीछे पड़ जाते तो वो लोग भी ये बोलते अरे क्या करना है तो ऐसी सूरत में है ऑफिसर से बात करेंगे उसके बाद तय करेंगे और कारखाना वारखाने का भी मसला देता हूँ और वो जो है प्लान जो बनेगा वो प्लान की दुनिया महीने बनते हो गए हमारी जमात के तरफ से यहाँ खबरें नहीं है वहाँ पर बनाने का देख रहे मगर एक ही अरे अब तुम बोल रहे
दूसरे लोग कहीं को मानते हैं। सर मैं एक और एक आर्टिफिशियल खबर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई सरकारी भाषा में एक मिनट पीने खाने का मामला है, पहले तो पीने खाने वाले ही आ रहे हैं। पीने के लिए आप अभी तो बोले मजबूरी बता रहे हैं कि हम बगैर आमदनी के, फिर आपके बच्चे यहाँ कैसा पीछे पीने वालों के लिए और जमके भी होंगे समझो उसके लिए अहमदा से आपको हम बोल रहे हो ना। मैं यकीन मानिए कोऑर्डिनेटर साहब का यहाँ का मैं थैंकफुल थी, मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अंदाज बहुत अच्छे अंदाज में आप मिले। मैं जो है उनसे बाइस करूँगा कि आप सपोर्ट कीजिए और हिंदू आथरा पेंशन के सिलसिले में कुछ गाइडेंस, आथरा पेंशन के सिलसिले में गाइडेंस होना जरूरी है। वो तो डेट खत्म हो गई है, हम तो एक्सटेंशन के लिए अपील की है कि चूँकि ये कोविड का प्रॉब्लम था कि उसके बाद बैंक बैलेंस जाना अकाउंट खोलने के लिए पैसे होना, बेचारे गरीबों को खाने को पैसे नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसी सूरत में आप लोग भी जो है रिक्वेस्ट कीजिए, हम तो डेट एक्सटेंशन देंगे तो एप्लीकेशन की डेट ही खत्म हो गई। इसकी कम घर भर काम नहीं कर रहा था, हर जगह बैंक में लाइन थी लाइन थी। हमारे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम तीन बार अगर डेट फेल होने के बाद एक लेटर से कराते थोड़ा पूरी कॉन्सेंस पे फजल है। नहीं 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 मेरे बाबा रखा नहीं है, कानून कानून रहता है, कोई भी सीएम साहब भी नहीं करा सकते, भूल बनाना पड़ता। आप श्रीनिवास राव साहब, श्रीनिवास यादव साहब बहुत अच्छे हैं, अपन आगे बढ़ना दूसरों को फायदा होता है जीत बात। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया। ये लोग कुछ भी साफ सफाई नहीं करे, पानी की टंकियां नहीं लगाए, कुछ भी नहीं। जो डबल में अपना घर नहीं है, जो होलों के लिए आपकी तरह हम भी आए सो बस बस ये तो भाई खम्भे है ना सारे जी जी बिल्डिंग दिख रही है डबल बेडरूम है। अरे साहब हमारा एमपी नहीं देखता है, हमारा एमएलए नहीं देखता, हमारा ये हमारा रोना है। अब हम जो पुराने शहर में पैदा हुए वो एक बहुत बड़ा गम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलो बंद कर देंगे हम तो अंदर तक जाके आ रहे भाई, हम मीडिया हम भी मीडिया से समझे हम ऑल इन वन है। बोलेंगे पहले सब वो जो इतनी जगह है साहब ये जहाँ पे एक खबर भी नहीं है और वहाँ से दफाए नहीं देते थे लोग, ये दूसरों के कब्जे में थी और 10-12 साल पहले यहाँ पर झंडे लगे हुए थे, यहाँ पर नेशनल पूरे लगा देखे था, पूरा हटाए वो ये कोने पे ये लोगों को शिफ्ट कर देंगे। उसको एक रास्ता छोटा रास्ता है वहाँ कहाँ पे कौड़ी कड़े को जाता, ये लोगों को हदबंदी करके ये खबरस्तान को पूरा फ्री कर देंगे।
यानी एक कोने में कर देने के बाद कब्जा नहीं होता खबरस्तान। एक अच्छी सोच है, बल्कि हम लोग अभी पूरे खबरस्तान वाले हैं, हमारे बाप दादा सब यही सब भी बोले अरे अच्छा काम है, तो इसके लिए करे एक, और इन लोगों की जिंदगी भी अच्छी होती और इन लोग अच्छा हो रहा। इसको सर्वे करे कितना जब कितने गए 500 से 600 गज ये मेजरमेंट कर लिया, प्लान भी बनाए 600 गज है सब याद एक एक जगह याद है आधा 600 गज है मतलब इसके अंदर बना के, तो फिर जी प्लस वन बनाने वाले हैं वो नहीं 12 फ्लैट तो जी पे आ जाते हैं सर जो यहाँ पे रह रहे हैं वो नीचे छह ऊपर छह 12 फ्लैट है और किसी को नहीं, ओनली जो रहने वाले होंगे यहाँ के लोगों की मैं एक डबल बेडरूम की एक बात बताता हूँ आपके एरिया में जाने वालों, हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट बने जो लोग जहाँ है उनको ही दिए, बाहर के एक आदमी को नहीं दिए, तो वही उधर के लोगों को उधर ही दिए, उधर का एरिया उधर को ही दिए उनको, क्योंकि उन लोग भी कैसा लड़ रहे थे प्राइवेट लैंड की, लेकिन उन्होंने एक सौ उन भी थे तो उनको 3,000 बातचीत करके उन लोगों को बना लिया, उनकी गवर्नमेंट लैंड नहीं है वो ना कब्रिस्तान की लैंड है। ये जो आतंक का जो खुला है कंपाउंड का, ये किसकी परमिशन से खुला है? ये पूरा मस्जिद वाले अंदर देख रहे फाइन पे अंदर देख रहे क्या सर भाई जगह है ये खबरस्तान की जगह, किसने परमिशन दिया इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। यही नौजवान बच्चे यही हम लोग जब साफ सफाई कर रहे थे, हम ये आवाज उठा रहे थे, इसके वजह से हमारे को हटा दिया गया, आपकी जरूरत नहीं है हम कर लेते बोल के हटा दिया सर। देखिए मैं हाईकोर्ट एडवोकेट हूँ, वक्त के केसेस पूरे देखते रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे भी ये मालूम है कि वक्त की लैंड पे जो है सो कमर्शियल काम नहीं हो सकता, खासतौर से खबरस्तान के वक्त की लैंड पे। और यहाँ पे क्या किससे परमिशन लिए, किराएदार है लोग क्या है, क्या यहाँ के मुतवली है, क्या इनके अख्तियार है जो सो यहाँ पर एक फैक्ट्री चला रहे हैं, अच्छी खासी फैक्ट्री चल रही है यहाँ पे, मुतवली भी है तो क्या गेजेट में है क्या है, ये पूरा चेक करना पड़ता, ये पूरा चेक करके अगर इलीगल क्रिमिनल ट्रेसपासर है तो इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक करेंगे इंशाल्लाह ताला, कोर्ट को जाएंगे इनको यहाँ से उठा के फेंकेंगे अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ताला, पहले इनका वेरिफिकेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला करके, हम आपसे वादा करते वेरीफाई करेंगे वक्फ बोर्ड से इनके क्या अख्तियार दिए, वक्फ बोर्ड इनको क्या किराएदार बनाए नए बनाए या इलीगली इन्हें स्टे कर इंशाल्लाह ताला। अब कुछ बोलेंगे अब ये भी करता देखो जो लाइन नहीं है, उन लोग तालीम नहीं है, घर दिखे दो भाई घर दिखे ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फोन करता हूँ ठीक है, ये भी लो भाई इतना का भी लो अंदर सब लोग, ये दुकानों का लो उधर का लो सब लोग, तो दीवार का लो वहाँ का रख लो पूरा यहाँ से पूरे खबर की है पूरी लो साला शर्म है ना शर्म मुसलमाना है क्या है
इस्लाम का नाम खराब, पहले ही खराब है साला, और बदनाम कर रहे इंडिया करके छोड़ दे रहे। सारे खादरी साहब, सैयद हामिद हुसैन सुतारी साहब और हमारी पूरी कमेटी के साथ यहाँ के कावाड़ी गुड़े के कब्रिस्तान पे विजिट करें हम, जो कि हाल ही में सोशल मीडिया में इसके खिलाफ जो है सो न्यूज़ा गलत न्यूज़ा फैल रहे थे कि ये कब्रिस्तान पे बना रहे बोलकर, और ये साफ साफ बोल रहे हैं कि ये ज़मीन कब्रिस्तान की, ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, इससे हटकर जो सो कंस्ट्रक्शन होगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर ये जो बोल रहे हैं अगर इसी को फॉलो कर रहे हैं तो, और यहाँ पर रहने के लिए लोगों को और निगरानी के लिए बहुत ज़रूरत है कि कुछ घरे रहे तो उसूल करने वालों के लिए। वक्फ की ज़मीन है जी, लेकिन कब्रिस्तान नहीं है, कब्रिस्तान नहीं है, वक्फ की जगह है, वहाँ पे इसका ओनर तो नहीं हो सकता, फिर आपके गलत जाएंगे, सो टेम्पररी रहेंगे समझे, दे विल नॉट बिकम ओनर बिकॉज़ इट्स अ वक्फ लैंड, तो जो है सो उसमें मैं समझता हूँ कि किसी को भी इसका कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। क्या बोलते हैं साहब आप कुछ आप लोग? नहीं, वो तो वक्फ बोर्ड का काम है, जब वक्फ बोर्ड शुड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। रेंट भी दे रही है सर, रेंट ले रहे हैं, रेंट्स भी दे रहे हैं और किराएदार भी है, उससे और क्या हमारे को ऑब्जेक्शन रहेगा? मैं जानता समझता हूँ, जब किराया दे रहे हैं आप, हमारी नगरों के सामने इस बैंक की किराएदार तो है ना, हमारी नगरों के सामने जिस बैंक स्ट्रक्चर है खड़े हुए, तो यहाँ पर जो है आबादी थी और ये हिस्से में कब्रिस्तान नहीं है, तो ऐसी सूरत में वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से मैं ख्वाहिश करूँगा कि फौरी आए, मुआयना करें और इस सिलसिले में फैसला करें तो बेहतर रहेगा। सहूलत दिए हुए लिस्ट ऑफ टेनेंट्स एंड एजेंट्स लोगों के रेंट्स भी है, ऑलरेडी दैट टेनेंट्स ऑफ वक्फ बोर्ड, टेनेंट्स ऑफ वक्फ बोर्ड जो है कई सालों से जी, और जो है एंट्रेंस पर ही हमारे एक साहब से बहुत उम्र रसीदा साहब से मुलाकात हुई, सलाम अलैक हुई, तकरीबन वो 90 साल के हैं, तो उनके वाली से ज़माने से यहाँ रह रहे हैं। ताज्जुब की बात है, उन लोगों के लिए भी कोई रिहाइश का इंतज़ाम नहीं किया गया, तो ये वक्फ बोर्ड में से मैं ख्वाहिश करूँगा कि फौरी इस तरफ तवज्जो करें और मसाइल को के अंबार लगाने के बजाय मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो करें। जिसे इंकलाब मिल्लत का एक वक्त यहाँ पर कब्रिस्तान के जो है मुआयने के लिए आया है, और यहाँ पर जो है अक्सर लोग जो है तकरीबन 60-70 साल से रह रहे हैं, और यहाँ पर जो है मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाकर जो है कब्रिस्तान की जगह में नहीं है सर, अलग है, अलग है, वो वक्फ नहीं है, तो ये लोग तहरीक है, तो इस सिलसिले में हम जो है वक्फ बोर्ड से भी बात करेंगे, बात करके जो है इस सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए मसले के हल के लिए, और वक्फ बोर्ड को भी चाहिए कि जो जगहदाश्त कर रहा है उसके लिए जो है सहूलतें पैदा करें। एक से बहुत ताज्जुब की बात यह है कि तकरीबन 100 साल से पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ पर कोई भी देखने वाले के लिए कोई रिहाइश का इंतज़ाम ही नहीं, तो और ये तो होना चाहिए था कि यहाँ गुसल खाना भी होना चाहिए, और उसके साथ सहूलतें भी जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी जो जगह रहना चाहिए, और अगर वक्फ बोर्ड ये नहीं कर सकता तो ताज्जुब की बात है कि आवाम को उठ के कॉन्ट्रीब्यूशन करके हम ये अपील करेंगे, अगर वक्फ बोर्ड इतना नाहिल है तो आवाम से अपील करेंगे कि चंदा जमा करके यहाँ पर ये सहूलतें फराहम करें वक्फ बोर्ड की मंजूरी के साथ। शुक्रिया, खुदा सर। घरों के लिए न्याय सो है, इनको थोड़ा बहुत एक हमदर्दी के ऊपर खबरों में नहीं है सर, इसके अंदर जितने खबर है और जो बनाओ बोल रहे हैं वो भी खबर नहीं है वहाँ, नहीं नहीं जितों के खबर है इधर माफ साहब बोल के छोड़ा है,
मैं आपको कोने में बुलाया तो आप लगा पूरे कब्रिस्तान में कब्रिस्तान खराब कर दे रहे हैं आप लोग। ये कब्रिस्तान नहीं है, ये कब्रिस्तान की जगह थी लेकिन लोई है। अच्छा, पूरे वो बता जाए फोटो बता ऊपर से, मैं अभी ऊपर से फोटो ले। हमारे और इसका मुंतखब है, मुंतखब है, मुंतखब है, मुंतखब में जो है एरिया भी रहता और एरिया भी रहता। और जो मुंतखब है 1986 का है या बिफोर 1950 और ये हैदराबाद गवर्नमेंट के जमाने का कब्रिस्तान है। बिल्कुल सही, ये इसका अधिकार जो है। हाँ नहीं नहीं, ये देखिए, ये देखिए, आप प्लेस समझ लीजिए मसला। ये जो है असल बुनियादी मसला है कि हम किसी को बात तस्लीम करें तो एक्सेप्ट कर लेना ही मैं वक्त आ जाता हूँ। असल बुनियादी मसला ये है आपका कि ये जो जमीन है ये वक्त प्रॉपर्टी है, वक्त प्रॉपर्टी, इसको बुनियाद बना के चल रहा है। अब ये वक्त प्रॉपर्टी को आप कैसा इस्तेमाल करेंगे, कैसा प्रोटेक्ट करेंगे, वो आप गौर कीजिए। और वो गौर करने के वास्ते हम जो है श्रीनाथ यादव साहब से हम भी वाकिफ है, हम भी तेलुगु देशम में बरसों काम करे हैं, तेलंगाना मूवमेंट में काम करे हैं, वो नहीं है। मगर हम अब ऐसा आया जो रूमर्स चले, देखिए रूमर्स चले तो रूमर्स के बाद हकायक भी है। और जो कब्रिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है वो हमारे लोग का ज्यादा है। बिल्कुल सही बोले आप, वही नहीं होना बल्कि कर रहे हैं। अच्छा, अभी कमाल क्या है, हम जो है अभी प्रपोजल ये है कि हर कब्रिस्तान में जो है औकाफ के तरफ से जितने भी मेम्बर्स आए हैं कभी कब्रिस्तान में एक दो मकाना बना के किसी निगरानी करने वालों को नहीं रखे। सही बोल रहे हैं आप, नहीं रखे कोई वॉचमैन नहीं, और जो आता ही है। और फिर हमारे पास अब ये कवाड़ी गुड़े का एरिया है, समझे आप, मैं भी कारपोरेशन में काम करता था, वहाँ ट्रेड यूनियन लीडर था। ये कवाड़ी गुड़े के बहुत हमारे नान मुस्लिम दोस्त हमारे दोस्त है, हम जो है पूरे जो है हमारे दोस्त आए। तो हम जो है कमाल क्या है, हम नान मुस्लिम बिरादर से कोऑपरेशन लेके हमको चलना पड़ता है। बिल्कुल 100% हम लेके चलते हैं। मगर हम जो है इसमें हम जो है वक्त जायदाद को आप जो है नुकसान सबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे। सब मैं एक छोटा वाक़ा बता दूं, नान मस्जिद वहाँ पे बाजू में हिंदुओं का कब्रिस्तान साहब, वहाँ हमारे भाइयों जैसे बार बार उल्ला दीवार तोड़ दे रहे हैं, बोलते उन्होंने नहीं तोड़े, लोग कैसे रहते से जैन के नहीं, दीवार तोड़ के पूरा उधर आके हजामत बना रहे, पूरा कर दिए। तो हम हमारे दोस्त होने के कारपेंटर के दोस्त हमारे दोस्त आए, भाई देखो ये कब्रिस्तान है जैसा आप दीता है रियली बोले, उन्होंने उठा के दीवार उठा के दे के थोड़ी कोना दीवार छोटा कोना, उसके बाद अपने बच्चे पूरे नौजवान बच्चे करे उठा के दे के उन लोग वहाँ डालना बंद कर दिए, उन्होंने ताजीम करना शुरू करे हमारे कब्रिस्तान की। तो एक नहीं लारी लारी भर के, क्योंकि बड़ा कब्रिस्तान है साहब हैदराबाद में, या आप बोल सकते हैं तेलंगाना सब में बड़ा कब्रिस्तान है, बंसीलाल पेट का हिंदुओं का क्रिमेटोरियम इतना बड़ा कब्रिस्तान है, उसके कितने आते होंगे। उन लोग आप हमारी बात सुने, तो आप जैसा बोले कोऑपरेशन में चलते हैं अपन, और ये क्या है कोई भी एक इंच भी अपने को कब्जा नहीं करा, गैर मुस्लिम अपने लोग आए हैं अपने। अब क्या हो गया रिसेंटली जब इनके घर तोड़े तो अब यहाँ एक वर्कबोर्ड से एक आदमी को लगाए हुए जाफर बल के, उन्होंने पूरे डंपे की फैक्ट्री चला रहे हैं अंदर, पूरे लारिया आते ट्रक आते उनको नहीं रोक रहे हैं। ये गरीब बेचो है जिन लोग तुम ना यहाँ से भागो बल के लाख डाल दे रहे हैं, तो आखिर ना जाएंगे क्या ये अपने ही लोग हिफाजत करने वालों को आप रोड पे कर देंगे उनको, एक तो एक सिंबल साहब कोई गलत काम नहीं कर रहे इनको एक। अच्छा दूसरा है अपने बच्चों को तालीम नहीं है, बिल्कुल बेकार है, और यहाँ तक कि इन लोगों पर कई क्रिमिनल केसेस बुक हो जा रहे हैं, और कोई की चोरी करके आ रहा ना भी ये बस्ती का आ रहा है। तो अपन बोले इन लोग एक स्टैंडर्ड लाइफ देना, हमारी मतलब क्या है साहब स्टैंडर्ड लाइफ होना, अगर मुसलमानों को एजुकेशन बराबर रहे तो ये हालात नहीं पैदा होते अपने। और आप जैसा बताए कि पूरी तरह से उसकी हिफाजत वर्कबोर्ड नहीं कर रही, अगर वर्कबोर्ड करती है तो कितने कब्रिस्तान, मैं बताता हूँ साहब आपको खाली मेरे तालुक से मैं बता रहा हूँ, वही कड़े में एक बड़ा कब्रिस्तान है पूरा चलेगा, उसमें कोई नहीं है, ऐसी छोड़ दिए पूरा एरिया कब्जा हो गया। आप वहाँ एक जगह भी आपको 100 गज जगह नहीं मिलती, कई एकड़ पे है वो पेट्रोल पंप है वहाँ पर चले जाओ। तो अपन क्या करें ये मेन इसके ऊपर फोकस लगाए कि इनकी अगर अपन तादाद को रोके, क्योंकि इन लोगों को पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने किसी को बेच दिया गैर मुस्लिम को, आप नहीं निकालते खाली नोटिस देते रेंट का चालू करते। ये सैयद अहमद जब वहाँ एक कब्रिस्तान है पूरे उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज हो गए, गैर मुस्लिम पूरे आ गए, अल करीम कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसे कितने जायदाद खो देंगे, तो कम से कम हमारे लोग हमारे बस्ती के लोग बंसीलाल पेट रहे मिलकर सोचे कि इनको एक कोने में करना,
कारपोरेटर साहब रिक्वेस्ट करें, अब्बास भाई रिक्वेस्ट करें, इनके खानदान, हमारे खानदान, पूरे खानदान है, जितने लोग आए। अच्छा, वो सिंधीपुरा मस्जिद के कमेटी का कोई खानदान आदमी है ही नहीं, और ना उन्होंने फेस कर सकते हमारे, क्योंकि काम ही नहीं कर रहे, खबर साहब उधर जाते हैं, मस्जिद की जायदाद भी हड़प ले रहे हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। मैंने सवाल क्या देखी गया, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो मसला है ना, वक्फ बोर्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वक्फ बोर्ड, लेकिन वक्फ बोर्ड में ऑनेस्ट लोग नहीं होने से ये मुसीबतें पैदा हो रही है। सही बोल रहे हैं, सुने आप, वो हो रहे हैं, और हमारे को गवर्नमेंट के किसी पैसे की जरूरत नहीं है। श्रीनिवास यादव साहब जो काम कर रहे हैं, हम वेरी वेरी थैंक्स का फॉर कॉपरेशन टू अदर हम क्या ये बोलिए, मगर सवाल ये कि वक्फ बोर्ड और इसके लिए क्या है मालूम है, ये डेमोक्रेटिक पेट्रोल है, आप इतने जमाने से काम कर रहे हैं, कोई आप ये खबरस्तान की कोई कमेटी नहीं बनाया हम कमेटी के लिए कमेटी हमारे पास, लेकिन ये कमेटी अप्रूव नहीं कर रही, मस्जिद की कमेटी अप्रूव नहीं कर रही, उनके कंट्रोल में है ये खबर, कई बार गड़बड़ करा, पूरे पेपर है बच्चों के, मस्जिद वक्फ के कंट्रोल में नहीं है। आप पैसे वालों की सुनते, वक्फ बोर्ड वाले, वक्फ बोर्ड वाले पैसे वालों की सुनते, गरीबों की नहीं सुनते, दरवाजे खुले साहब, हम 400 रुपए लेते शब्द अपनाने के लिए, कुछ भी काम नहीं करते। अब 3,500 का बोर्ड लगा दी, अब 3,500 का बोर्ड लगा दी, एक मिनट छुट्टी दिए तो 500 रुपए छुट्टी दिए तो आदमी को दफनाना बोलते, 500 कई सालों से ले रहे, पर ये काम भी नहीं, बोलो खाली बहुत बोलते चुना डाल दे, यहाँ तक छब्बे बड़ा बच्चे हमारे साफ कर लेते। मैंने अब कमेटी में जो है डॉक्टर सिराजुर रहमान, उसके वो है मेंबर है, सिराज में भी थे पहले, नहीं नहीं वो नहीं, गुलाम नबी शाह साहब के बेटे, दीवारा पूरा बनाए, उन्हें नहीं बना, बड़ा बड़ा करने का है, बोले कोई काम नहीं करे भाई, खाली एक काम करे साहब, छोटी सी चेन लाए, 2,00,000 लेके आए गेट के पास, उस दिन जब हम पूरे गेट के चाला पिलर सब ला के रेडी कर, लेबर के 4,000-5,000 बात करके लगा दिए, दूसरे दिन लाख डाल दिए, बच्चों को बोले चलो जाए से पुलिस केस कर देते हम। साहब आप कुछ बोलिए इस दफन के बारे में थोड़ा सा। सब ये क्या हुआ, एक्चुअली रूमर छूट गए, एक तो रूमर ये हुआ कि खबरस्तान को जो है सो कन्वर्ट कर दे रहे हैं डबल बेडरूम में, ये बात गलत है। हम बताना ये चाह रहे हैं लोगों को कि ये लोग हैं करीब करीब 140 साल या 150 साल के करीब, मतलब इनके और कहाँ है वो हजरत का है, उनकी उम्र करीब 90 साल है, उनके वाली जाए उनकी उम्र भी 90-95 तक थी, तो उन लोग पूरे यहाँ पर थे, जब ये कंपाउंड वाला वगैरह कुछ भी नहीं बना, तो ये कंपाउंड वाल वगैरह कोई नहीं बने, हिसाबबंदी नहीं थी जब से वो यहाँ मुखरिम थे। तो अभी क्या हुआ रिसेंटली, जब ये डबल बेडरूम है, ये डबल बेडरूम में गवर्नमेंट की जगह नहीं है, प्राइवेट जगह थी, उसको जो है सो उसमें लोग काबिज थे, वही लोगों को उन लोगों को श्रीनिवास यादव साहब बातचीत करके उन लोगों से ये करके उनका डबल बेडरूम बनाने लगा है उसको। तो वैसी यहाँ पर भी ये लोग थे ना, ये बार बार आके बोलते थे हमारे टॉयलेट से, क्योंकि हम लोग कंप्लेंट करें श्रीनिवास यादव कि इन लोग यहाँ बीच में यहाँ से वो बीच के एरिया यहाँ तक कोई खबर नहीं काटने देते थे, अपने ही लोग हैं वो, और इन लोगों का काम क्या है, मस्जिदों में छपना रखना, साफ सफाई करना, औरतों को मुस्लिम औरतों को गुसल देने वाले भी यही है, तो ये भी तो अपने ही मिलत की खिदमत करने वाले थे वो लोग। तो और ये 12 फैमिली है, तो साहब क्या बोले, तुम लोग ऐसे बार बार जाके खबरों को गलीज कर रहे, पूरे लोटे निकल रहे और चल रहे, दूसरे लोग भी आ रहे हैं यहीं पर गिलाजत कर रहे हैं, तो हम लोग साहब के सामने तोजी दिलाओ, देखो साहब ये ऐसा है, तो एक गोने में कर देंगे बोल के, तो आप क्योंकि ड्रेनेज जा रहे तो पूरा बीचों में से जाके पूरा खबरस्तान डिस्टर्ब होता, एक कोने में करेंगे ये डबल बेडरूम करने के टाइम, तो बताए कि एक कोने में, और वो मैं आपको बोलना है नहीं बोलना नहीं मालूम, मैं एक सरसरी तौर पर अंदाजे पर बोलता हूँ, वो जगह कोने में करीब करीब 1,000-2,010 आज से 8-10 साल पहले बीजेपी कॉर्पोरेटर थे वहाँ पे, दूसरी और एक वो पार्टी नहीं करी, और एक पार्टी पूरे झंडे गाड़ के नेशनल फ्लैग गाड़ के पूरा लगा के कब्जे कर लिए थे। साहब आने एमएलए बनने के बाद जारे दूसरी बात बोले, मैं हूँ यहाँ के एमएलए, तेरे को सब पता है, ये आप खबरस्तान में आने से उन लोग हल्का हटा के उन लोगों को दूर कर दी, और उन लोगों के हर चीज़ हटा दिए वहाँ से, जब ये रहने वालों को मालूम है वो बात, सब हटाने के बाद वापस वो जगह भी आ गए अपने को, खबरस्तान लंबा हो गया, लेकिन ये लोगों की वजह से ना इधर जा सक रहे ना उधर जा सक रहे, और खबरस्तान गंदा हो रहा, तो इसलिए अपन क्या करें साहब, एक मशवरा दिए कि अपन कोने में बना देंगे, लोग डबल बेडरूम बनाए थे, क्योंकि वो अलग टाइप के लोग हैं, ये अलग टाइप के लोग हैं, और इन लोग बिल्कुल गुर्बत में गुजारने वाले होते हैं, तो अपने इसके लिए करें, तो 12 ही फैमिली, तो उनके लिए सपरेट 400-500 बना के दे देंगे, गवर्नमेंट के पैसे से बना देंगे,
पहले हम अपने मस्जिद कमेटी को बोले, लेकिन मस्जिद कमेटी के बारे में मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ, फिर भी बोलना मजबूर क्योंकि आज ये लेवल को आया बल्कि आज तक उन्होंने कोई साफ सफाई नहीं कराया सर। हमारे यंग बच्चे हैं, एक 20 से 30 बच्चे, मतलब ये बस्तियों के बच्चे मिलके करे पूरे ये रमजान में शुरू करे, 4 महीने तक लगातार काम करके पूरे वीडियो है, फोटो से नजर आए, यहाँ तक के शराब के बांटना वाला क्यों बताइए, कब्रिस्तान से कई ज्यादा बड़ी बस्ती नहीं है तालू, हर कोई रात चला लेता था कब्रिस्तान, और यहाँ पर जितने क्रिमिनल केसेस होते थे तो हटाने के बाद कंपाउंड वाला पूरे बनाए लोग अहले खैर हजरात से पैसे लिए, उसमें हम लोग भी अपने ओन पैसे डाले, और हमारे कारपोरेटर साहब भाई पानी का भी कराए साहब, पानी का पूरा बोरवेल का, नलों का कराए, रातों में पूछे तो 25 पोला डलाए, सीट लेटर डलाए, और साहब को बोल के पूरा साफ सफाई कराए, बच्चे वाले भी थोड़ा तो क्लीन एंड ग्रीन गर्मी भी लगाते थे, तो बीच में नहीं आ रहे बच्चे भी आए नहीं, मैम हम गेट वगैरह लगाने के बाद कमेटी आके लाक डाल दी, ना मस्जिद को देख रहे हैं ना खबरस्तान को देख रहे हैं, कौन सी कमेटी लाक डाली आके आपको गेट लाक डालने के बाद, सुनीपुरा बगबट वाले कुछ भी आवाज नहीं करे उसके ऊपर, कौन सी बगबट वाले कोई भी नहीं आया अभी तक यहाँ पर साफ बगबट वाले को क्या करते साहब, बोल देते हम ही छे बोल के काम पूरा हम ही करे बोल के सिरा भी ले लिया, आप यकीन नहीं मानेंगे बच्चे रात दिन मेहनत करे साहब, खाना भी यही खाए, क्योंकि खबरस्तान में काम करना सबकी जिगर की बात नहीं है, यहाँ के बच्चे हमारे क्या करे, रमजान का ताल्लुक है, जेसीबी लगाए पूरे वीडियो है हमारा, इसका पूरा शो कर दीजिए हमारे पास में ऑफिस में लाके सबमिट कर दीजिए, इंशाल्लाह ताला उसके आगे बा खबीब अब्बासी साहब हमारे हैं जी, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, और हमारे सुतारी साहब है, और हमारे तारीख अदील साहब है, इनके पास लाके आप सबमिट कर दीजिए और फॉलो अप कर लेते वो लोग, और इनके ये घर है साहब, तो रूमर ये उठा दिए कि ये घर जो है सो बाहर वालों को लाके बना के दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है, हमारे को भी खबरस्तान की जरूरत है, ये 70-80 साल हो गए सर, ज्यादा हो गया, मतलब बताया ना साहब, एक इनके वालिद एक बड़े मियां बैठे हुए हैं, उनकी उम्र 90 साल है, उनके वालिद भी 90-95 में इंतकाल हुए, तो उल्ला खरीब करीब है जब कंपाउंड वाल नहीं बनी जब से है उल्ला आके इधर, अच्छा, और उल्ला खबरस्तान के ही काम कर रहे हैं, अभी जो डिसीजन लिया गया वक्फ बोर्ड से आया क्या न्यूज आया कि आपके भाई डबल बेडरूम फ्लैट बनाते बोल के यहाँ पर जगह पे मालूम हुआ, तो इसी वजह से पार्टी मेंबर्स पूरे मिलके वक्फ बोर्ड के जितने भी सिक्योरिटी जितने भी कर रहे हैं लोग फॉलो अप करने वाले यहाँ पर आके जायजा ले रहे हैं, आपको फैक्ट बता रहे साहब जी कि ये बाहर के कोई लोग नहीं, खबर खोदने वालों को, खबर के मस्जिदों में काम करने वाले, इनको एक कोने में बता दे जगह हम आपको, ये पहले घर देख लो आप देख लो।